Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। बाप रे, इतनी कड़ी धूप है बाहर, पता नहीं लोग बाहर कैसे घूमते हैं। वो तो आपने मुझे बुलाया था ना इधर, इसलिए चली आई, नहीं तो। अच्छा, लेकिन मैंने जो काम कहा था वो आपने किया क्या? हाँ हाँ, किया ना आपका काम। ये देखो, इसमें फोटोज है लड़के की। अरे, चार चार किरानों की दुकानें हैं इनकी, बहुत अमीर है ये लोग। ये लड़का कहाँ तक पढ़ा लिखा है? अरे, बीकॉम पास किया है, बीकॉम। बस सिर्फ बीकॉम ही? हाँ, उससे ज्यादा पढ़कर करेगा क्या? अरे, दुकान ही तो संभालनी है उसे। देखिए, सभी माँ बाप तो आपके जैसे होते नहीं, जो खुद गरीबी में रहकर अपने बच्चों को जिंदगी भर पढ़ाते ही रहे। हाँ, हमने अपनी बेटी को पढ़ाया और तब तक पढ़ाते रहेंगे जब तक वो पढ़ना चाहेगी। हाँ, हम गरीबी में जीते हैं और कभी कभी भूखे ही सो जाते हैं, इसलिए कि हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाए। आज हम समाज में हमारा सर उठा करके जी सकते हैं, क्योंकि हमारी बेटी डॉक्टर है और हमें उस बात का गर्व है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे इंसान से नहीं करूंगा जो उससे कम पढ़ा लिखा हो। मेरी बेटी की शादी होगी तो किसी डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर के साथ, किसी किराने की दुकान चलाने वाले के साथ नहीं, समझिए आप? इतने ऊंचे ऊंचे सपने देखेंगे ना तो आपकी बेटी जीवन भर घर में ही बैठी रहेगी। तालेल, हमारी बेटी हमारे घर में बैठी रहेगी तो चलेगा, हमारी बेटी हमारे लिए बोझ नहीं है, मेरी बेटी मेरी ताकत है। क्यों बुलाया तुमने उन्हें यहां पे? अगर तुम्हें गौरी की शादी की इतनी चिंता क्यों है? आई हूं ना मैं उसकी बेटी की शादी की चिंता तो लगी ही रहती है। मुझे पूरा भरोसा है कि उसे ना एक अच्छा पढ़ा लिखा और गुणी लड़का ही मिलेगा। मैं कितनी लकी हूं ना, मुझे आप जैसे आई पापा मिले। सब ठीक हो जाएगा बेटा। पापा करे और इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमारी अर्चना में वापस मिल जाए। ऐसा ही होगा सविता, तुझे देखा नहीं वो लड़की, वो गौरी, उसने हमें हिम्मत दी है। मुझे पता है वो जरूर उसमें कामयाब होगी। देखिए, सारी इनिशियल फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं, हम अपने एक्सपेरिमेंट का पहला फेज शुरू करेंगे और मुझे यकीन है कि हमें सक्सेस मिलेगी। उसके बाद हमारे एक्सपेरिमेंट का दूसरा फेज शुरू होगा, उसके लिए हमें आपकी कोऑपरेशन, आपकी मदद की जरूरत है। मैंने आप लोगों को मरियम के केस के बारे में बताया था, उस केस में हमें काफ़ी कामयाबी मिली है और इस केस में भी मुझे यकीन है कि कामयाबी मिलेगी। डॉक्टर, जब तक ये एक्सपेरिमेंट अर्चना के हित में है, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू। मिसेस देशमुख, मिसेस देशमुख, आप सुन पा रही हैं मुझे? मिसेस देशमुख, देखिए, आपकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, सभी लोग आपसे मिलने आए हैं। ये वो लोग हैं मिसेस देशमुख जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं। मुझे यकीन है कि इनकी मौजूदगी यहाँ पर आपको जल्द ठीक कर देगी। मिसेस देशमुख, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और अपने पूरे परिवार के साथ मिलेंगी। मिसेस देशमुख, तमाशा। बड़े बड़े डॉक्टर मिलकर हमारी आई का तमाशा बना रहे हैं। तू यहां क्या कर रहा है? किसने बुलाया तुझे? जा आई, आई तोरी को पता है ये सब लोग यहाँ कहाँ करने आए? ये सब लोगों को लगता है कि ये डॉक्टर
कि तोरे सा देखा शब्द बोलेगा और चमत्कार होगा, तू उठ जाएगी। इतना महीने से तू यहाँ बिस्तर पर बेहोश पड़ी, तब कहाँ थे सभी लोग? तब तो इन लोगों को प्यार नहीं जागा तोरे लिए, आज कहाँ से प्यार का भूत सवार हुआ इन लोगों पर? भाई को होश से बाहर निकालने चले बूढ़ बक्स ससुरे। ए डॉक्टर क्या बोला तू, पूरा परिवार है यहाँ, क्या करेगा तू? उछल कूद करेगा? और दाढ़ी है तू, दिखा नाच दिखा। बकवास बंद कर अपनी। देख भाई और ई मानव देशमुख, ये पूरे तमाशे का पैसे लुटाएगा, पैसे। बकवास बंद करता है कि नहीं? किसने बुलाया तुझे? ये गुंडा है, मवाली है, इसका हम जैसे शरीफ लोगों के बीच में कोई काम नहीं है, निकल जा यहां से। अन्ना मजबूर है, मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। जॉन को बुलाना है बुला ले, हम यहां से नहीं जाएंगे। डॉक्टर ये आदमी यहां खड़ा रहकर बदतमीजी कर रहा है और आप चुपचाप देख रहे हैं, निकालिए इसे यहां से बाहर। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। हमारे एक्सपेरिमेंट को तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। ए डॉक्टर तू ही बोला था ना पूरा परिवार मौजूद होना चाहिए, ले आ गए हम। चल तमाशा शुरू कर, कर। देखो तुम इनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। ए छुकरिया तू अपना मुंह बंद करने का कहां लेगी? तू भैया है ना जो अपनी सुरक्षा की खातिर हम रियाई को ही तरह नौकरी छोड़ के जा रही थी, तू हमका कहां नसीहत देगी? वाह डॉक्टर का मंडली जमा रखे हो भाई, का मंडली। इस चक्कर में तो हो गया हमारी आई का कल्याण। डॉक्टर आप इसकी बदतमीजी कब तक बर्दाश्त करेंगे? ए बकलोल तोरी जगह अपने बाप के पीछे है भाई, दुबक के बैठ जा, तोरी औकात भी भाई है और जगह भी भाई, समझा ना? रखे आ शाबाश शाबाश, ऐसा नहीं जिंदगी भर हाथ पकड़ के रहना, उनका जरा सा भी छोड़ा ना तो पागल हो जाएगा। ऐसा नहीं सही रास्ता दिखाने का फोन करता रहना, समझा का? दादा आप क्या कह रहे हैं, आई के बारे में कुछ तो सोचिए। तेजू हम आई के बारे में ही सोच रहे हैं, हम जानते हैं कि आई के दिल में हमारे लिए एक तो खास जगह है। जॉनी आदमी खत्म करना चाहता है, तभी हमने झूठा इल्जाम लगाया है कि हम गोली चलाया आई पर। बात करत तोरे को क्या लगता है हम नहीं जानते कि कोमा में जाए से पहले आई हमारी बेगुनाही का सबूत वकील को दे के गई थी, कि तू भी जानत है कि जो मानव देशमुख है ना ये दोगुला आदमी है, आधा सच बोलत है और भैया सच बोलत है तो नहीं के फायदे के लिए हो। देखिए हमको ई आदमी के अलावा दोनों से बैर नहीं है, ये हमरे को अपना बेटा नहीं कहता है ना तो हमरे को भी कोई शौक नहीं को अपना बाप कहने का। हमरी आई हमरे से प्यार करत है और इसे मिलने का हक हमरे से कोनो छीन नहीं सकता। हक किसने दिया तुझे ये हक? और उस वक्त ये हक कहां था जब तूने अपनी आई पर गोली चलाई थी? हम जानकर आई पर गोली नहीं चलाए थे, हम गोली तोरा पर चलाना चाहते थे। लेकिन अब भाई भी कोनो देर ना ही हुई। दादा हमको रोकने की कोशिश कर, कोनो रोकने की कोशिश नहीं करेगा। ये आदमी हमारे कोनो मायने नहीं रखता, ये को अब भाई के अब यही ठोक देंगे। और तुझसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तूने अर्चना पर भी गोली चलाई थी ना, मुझ पर भी चला दे, चला चला गोली। Stop it now.
आई सेड स्टॉप इट। शर्म नहीं आती तुझे? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।